गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक एंड आपको मेक का प्रयोग लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया था, दो पॉइंट बताए थे एंड तीसरा पॉइंट इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे एंड नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी बताया जाएगा। तो थर्ड पॉइंट के बारे में आपको बताया जा रहा है कि मेक का प्रयोग आप उस वाक्य में करेंगे जिस वाक्य से उद्देश्य का पता चलेगा, है ना। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कि जिस काम को आप करते हैं उस काम का आप क्या लक्ष्य आगे चलकर करने का। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ताकि एक अच्छा आदमी बन सके, है ना। मतलब पढ़ना है किस लिए? एक अच्छे आदमी बनने के लिए, है ना। तो पढ़ने का उद्देश्य क्या है? एक अच्छा आदमी बनना। हम लोग खाते हैं ताकि जिंदा रह सकें, जीवित रह सकें। खाना ऐसे नहीं है बल्कि उसको जीवित रहने के लिए हम लोग खाते हैं। अगर हम लोग ऐसे ही जीवित रह सक जाते हैं तो खाने का कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना। तो आप लोग को मे का प्रयोग ताकि एक उद्देश्य बताएगा वह सेंटेंस। तो उद्देश्य वाले वाक्य में मे का प्रयोग करेंगे और ताकि ये जो वर्ड है उसके बदले में आपको तीन शब्द दिया जाएगा, तीन वर्ड दिया जाएगा, तीन तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। इन ऑर्डर दैट, सो दैट एंड दैट, मैं का प्रयोग उद्देश्य वाले वाक्य में किया जाएगा। मैं का प्रयोग उद्देश्य वाले वाक्य में किया जाएगा, उद्देश्य वाले वाक्य में किया जाएगा, किया जाएगा। उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य क्या होगा? आपका काम करने का कोई तो एक लक्ष्य होता है ना। हर किसी इंसान का कोई ना कोई कार्य करने का, जो कार्य करते हैं उनका उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, हमें ये काम करेंगे तो ये मिलेगा, है ना। उसी तरह से एग्जांपल में पहले उसका रूल देख लेते हैं कि इसका रूल होगा क्या। तो पहले समझ लेंगे कि ये जो वाक्य होगा उसमें दो वाक्य होगा, दोनों वाक्य को आपको सेटिंग करना है। तो रूल होगा सब्जेक्ट, तो दो वाक्य है तो दो सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट फर्स्ट होगा और इसका वर्ब विवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और यहां पर आपको जो सेंटेंस ये फर्स्ट हो गई और सेंटेंस सेकेंड होगा, उन दोनों सेंटेंस को जो ऐड करेगा वो कहलाएगा कंजक्शन होता है, है ना। जो दो वर्ड या दो सेंटेंस, दो क्लॉज जो फ्रेज को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं, है ना। तो ये कंजक्शन सो दैट है, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, या फिर दैट ओनली प्लस सब्जेक्ट नंबर टू। यहां से आपका सब्जेक्ट नंबर टू अर्थात सेंटेंस टू स्टार्ट होता है और इसके बाद आपका क्या देंगे, ये हो गया आपका उद्देश्य वाला वाक्य, है ना। ये जो आपका काम किए उसका लक्ष्य है यहां पर, ओके। तो यहां पर मे का प्रयोग करेंगे, मे प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अंत में फुल स्टॉप। हो गए? एग्जांपल में मैं दे रहा हूं, नंबर वन में हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग खाते हैं ताकि जिंदा रह सकें, जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, है ना। तो हम लोग का बी एट, है ना, क्या खाते हैं तो पता ही है, हम लोग खाना खाते हैं। अगर यहाँ खाना नहीं दिए तो नहीं देंगे, अगर लिख देते कि हम लोग खाना खाते हैं तो बी इट फूड होगा, नहीं दिए तो आप भी नहीं देंगे। बी इट फूड, इट ओनली, सो दैट, आप तीन में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, वन टू थ्री, सो दैट। अब यहाँ पर हम लोग खाएंगे तो जिंदा कौन रहेगा? हम लोग ही रहेंगे, अर्थात यहाँ पर फिर से बी का प्रयोग करना है आपको, वी मे और लिव, जिंदा रहना और लिव होता है, एंड लास्ट में आपको क्या देना है, फुल स्टॉप देना है।
नंबर टू क्वेश्चन में वह स्कूल जाता है ताकि वह स्कूल जाता है ताकि अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। कर सके तो उसे स्कूल जाने के उद्देश्य क्या है, यहाँ स्कूल जाता है इससे के बाद इसका उद्देश्य आगे सेंटेंस पर निर्भर करता है कि क्या उसका उद्देश्य है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना है ना। तो ही गोज यहाँ पर भी वन सेंटेंस के अनुसार यहाँ पर देखिए सर बी के साथ भी वन लगा है और ही के साथ गोज भी फाइव लगता है, अर्थात यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, भी वन या भी फाइव का प्रयोग करेंगे ना कि केवल भी वन। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पर निर्भर है ना, कहता है कि सब्जेक्ट प्लस भी वन या भी फाइव होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। आगे टेंस आपको पढ़ाया जाएगा तो पूरा स्ट्रक्चर के साथ दिखाएंगे। ही गोज टू अ स्कूल इन ऑर्डर दैट अब वह स्कूल जाता है तो शिक्षा मिलेगा किसको, उसी को मिलेगा। यहां पर फिर से आपको ही सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, ही गेट गुड नॉलेज। ही गोज टू अ स्कूल इन ऑर्डर दैट ही गेट गुड नॉलेज है ना, ही गेट अ गुड नॉलेज एंड मेक अ प्रयोग। नेक्स्ट टॉपिक की ओर पॉइंट नंबर फोर में चलेंगे, तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं कॉपी में, पॉइंट नंबर फोर में आ रहे हैं है ना, इसको हम इरेज करते हैं, इरेज करें हम। पॉइंट नंबर टू में है मे का प्रयोग वैसे वाक्यों में किया जाता है जिस वाक्य से श्राप आशीर्वाद प्रार्थना का बोध होगा है ना। आप सेंटेंस के काइंड से जो पढ़ रहे हैं ऐसा सेंटेंस आगे आएगा कि वह वाक्य से बोध होगा श्राप आशीर्वाद या प्रार्थना का बोध होगा है ना। तो उस वाक्य को आगे नंबर चौथा पर दिया गया है, फोर्थ में है ऑप्टेटिव सेंटेंस। फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंस इज नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड विच इज यूज टू एक्सप्रेस ब्लेस कर्स एंड प्रे इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। आपकी कॉपी में लिखा गया है ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में है ना, सेंटेंस के चौथे भेद बताए हैं। तब अब यहां मे का प्रयोग हम पॉइंट नंबर फोर की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर फोर में है क्या मे का प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के वाक्यों में किया जाता है और वैसे वाक्य जिससे प्रेस ब्लेस और कर्स और प्रे का बोध होगा, मतलब आशीर्वाद श्राप प्रार्थना वाले वाक्यों में का प्रयोग करेंगे है ना। और इस वाक्य में मे से ही स्टार्टिंग किया जाएगा और जो स्टार्टिंग करने के बाद वाक्य जब अंत होगा तो आपको लास्ट में एफ चिन्ह लगाया जाएगा जिसे कहते हैं मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करना है आपको। तो तीन प्रकार के वाक्य में मे का स्टार्टिंग से करेंगे, जैसे रूल दिया गया है मे प्लस सब्जेक्ट लगाना है, जो सब्जेक्ट रहेगा भी वन देना है आपको, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है ना, अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन।
एग्जाम्पल, तीन तरह के वाक्य होगा, आशीर्वाद, श्राप या प्रार्थना। भगवान राजा को बचाएं, भगवान राजा को बचाएं, राजा के ऊपर संकट आई हुई है तो उसके लिए क्या कर दिया कि भगवान राजा को बचाए, तो यह सेंटेंस क्या हो रहा है, प्रार्थना शो कर रहा है, प्रे है। ये सेंटेंस से क्या हो रहा है, प्रे का बोध हो रहा है। तो बनाइए, स्टार्टिंग करना क्या, मे गॉड बचाना, सेव किसे, द किंग राजा को, सेव द किंग, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। नंबर टू, भारत मैच जीत जाए, भारत मैच जीत जाए, यह भी वाक्य क्या है, आशीर्वाद तो दे नहीं सकते, श्राप तो दे नहीं सकते हैं, तो है क्या, यह भी वाक्य प्रार्थना वाले वाक्य है, मैंने प्रे कर ले। इस वाक्य को आप खुद बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में आपका इसका आंसर जरूर करूंगा, है ना। नंबर थ्री एग्जाम्पल में, उसे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो, यह वाक्य क्या हो रहा है, उसे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो, यह वाक्य भी प्रार्थना ही शो कर रहा है, किसी के प्रार्थना कर रहे हैं कि अपना अपने सहयोगियों के लिए कि उसे भगवान उसके लिए अच्छा अपना दिया जाए, है ना। तो इस वाक्य में भी आप मे से प्रयोग करेंगे, मे ही गेट अ गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, आप इसे भी खुद से बनाइएगा। जैसे वह मर जाए, अगला एग्जाम्पल है नंबर थ्री में, वह किसी को कहा गया वह मर जाए, तो बोला गया सेंटेंस क्या है, श्राप है ना, तो बोलेंगे क्या, मे ही डाई, मे ही डाई देना है, अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाना आपको। ये सेंटेंस क्या किसका है, कर्स का है ना, आशीर्वाद का आप किन्हीं की किन्हीं के पैट होते हैं, है ना, प्रणाम करते हैं, आपको क्या कहते हैं, खुश रहो या चिरंजीवी हो, है ना, दीर्घायु हो, तो बोलते हैं या फिर तुम्हारी आयु लंबी हो, है ना, तुम्हारी आयु लंबी हो। तो यहां भी बनाएंगे, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, इस तरह के वाक्य को आप ऐसे बनाएंगे। और ये सेंटेंस जो है ब्लेस हो गया, मतलब आशीर्वाद दिया जा रहा है, और नीचे दिए जैसे जो तीन सेंटेंस थे वो आपका प्रे था, है ना, जिसमें एक मैंने बना दिया और दो आपको खुद बनाना है, ओके। एंड नेक्स्ट इसका पॉइंट चलते हैं, अब हम मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, है ना, अब नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब आपका शुड का प्रयोग करने जा रहे हैं, है ना। शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है, सलाह कर्तव्य बाध्यता को मानने के लिए किसी भी सेंटेंस में किया जाता है। यदि जब किसी भी सेंटेंस से सलाह को व्यक्त किया रहे, कर्तव्य को व्यक्त किया रहे, बाध्यता को व्यक्त किया रहे, तो वैसे सेंटेंस में आप शुड का प्रयोग कीजिएगा, है ना। एक तो आता है मस्ट का प्रयोग, शुड का प्रयोग दिया जा रहा है, मस्ट का प्रयोग एंड ऑट टू का प्रयोग, तीन का प्रयोग यहां पर दिखाया जाएगा, है ना। तो समझिएगा सभी को बारी बारी से, शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाएगा, मस्ट का प्रयोग अवश्य चाहिए के अर्थ में, अवश्य चाहिए, है ना। घर में बोलते मुझे एकदम चाहिए ही चाहिए, अवश्य चाहिए, तो वही है अवश्य चाहिए। और ये केवल चाहिए, अब समझना है कि तीनों का अर्थ जो यहां आया किस प्रकार के वाक्य में किया जाएगा, समझिएगा। ये जो सूट का प्रयोग देख रहे हैं चाहिए के अर्थ में, लेकिन वह होगा किस प्रकार के वाक्य में, सलाह वाले वाक्य में, कर्तव्य वाले वाक्य में, या बाध्यता वाले वाक्य में, मतलब मजबूरी है आपको ये करना चाहिए, है ना। इस वाक्य में बहुत जरूरी रहता है, बहुत जरूरी के अर्थ में रहेगा, तो वो अवश्य चाहिए ही, है ना। ये चाहिए नैतिक शिक्षा वाले वाक्य में किया जाएगा, नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा होता है कि हर किसी भी मनुष्य के लिए ये नैतिक शिक्षा लागू होता है, है ना। लेकिन अब लेकिन का बात एग्जाम्पल बताने के बाद मैं ये दोनों के बारे में चर्चा करूंगा एक बार फिर से। अब मैं इसका रूल में लिखता हूं, रूल में सबका एक ही होगा, है ना। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदरवाइज, अंत में फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, बच्चों को सत्य बोलना चाहिए, है ना। बच्चों को सत्य बोलना चाहिए, सलाह दिया गया, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, बनाएंगे आप द चिल्ड्रेन शुड स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, ये हो गया आपका एग्जांपल। बहुत जरूरी मतलब अवश्य चाहिए के अर्थ में, इसका भी रूल वही होगा, शुड के स्थान पे सिर्फ आप मस्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में, हम लोगों को अपने शिक्षकों का आदर अवश्य करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, यहां पर चाहिए दिया, अगर केवल चाहिए रहता तो आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अवश्य चाहिए तो मस्ट का प्रयोग करेंगे, है ना। तो बी बी के साथ मस्ट का प्रयोग करेंगे, वी मस्ट, वी वन क्या क्या करनी चाहिए, आदर करनी चाहिए, वी मस्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, लास्ट में फुल स्टॉप। हम लोग भी
को अपने शिक्षक का आदर अवश्य करनी चाहिए। तो हम लोग के साथ बी हो गया, बी के साथ यहाँ पर क्या लगा, मस्ट, आदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट किसी अपने और शिक्षकों की, है ना। एंड इधर बच्चों को सत्य बोलनी चाहिए, बच्चों द चिल्ड्रेन चाहिए शुड स्पीक द ट्रूथ, है ना। और यहाँ पर केवल चाहिए तो शुड, अवश्य चाहिए तो मस्ट होगा। नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा ये होती है कि हर किसी प्राणी के लिए, हर किसी मनुष्य के लिए ये शिक्षा लागू किया जाता है, है ना। जैसे इसका भी रूल वही होगा, सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल में जैसे हम लोगों को अपने देश की सेवा करनी चाहिए, अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो अब देश की सेवा करने की बात है तो कोई किसी एक को नहीं, हम अपने देश हैं, अपने देश में तो जितने भी देशवासी हैं सभी पर यही नैतिक शिक्षा है कि अपने देश की सेवा करें, है ना। तो क्या बनाएंगे, बी आउट टू सेवा करना, सर्व आवर कंट्री, है ना। आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी, मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। तो आप लोग इसे बहुत अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आगे लेकर चलूंगा, नेक्स्ट हेल्पिंग वर्क के बारे में, है ना। ऐसे फिलहाल आपको हेल्पिंग वर्क की जानकारी यहीं तक चाहिए थी, और जब भर्म की पढ़ाई पढ़ाएंगे उसके जब चैप्टर आएगी तब हम इसके फिर से एक बार वहां पर पढ़ाया जाएगा और एक बार फिर से डिटेल से हम आपको वहां पर बताएंगे। बस इसका एक छोटा सा जानकारी देना था, आपको मिल गया। और एक फिर उसके बाद आपको सेकेंडरी ऑफ द आस्क अ क्वेश्चन विद द डब्ल्यूएच वर्ड्स उसकी जानकारी दिया जाएगा, है ना। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।